चंद्रयान 2 की गति लगातार बढ़ रही है। अभी ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस दौरान इसकी स्पीड में तगड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। और जब ये धरती को छोड़कर चांद की ओर रवाना होगा तो इसकी रफ्तार गजब की होगी। चंद्रयान से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान लगातार अपनी स्पीड तेज कर रहा है। आने वाले समय में ये स्पीड और तेज होती चली जाएगी। हर बार जब चंद्रयान 2 की कक्षा बदलेगी उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ये यान 1 सेकंड के ईंधन में करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 14 अगस्त को जब ये अपनी कक्षा बदलने वाला होगा तब वो 1 सेकंड में और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका होगा। 22 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 मिशन की सफलता ने तो चीन को भी हैरान कर दिया है। उसने भी भारत को इसके लिए बधाई दी है। माना जा रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक भी चंद्रयान के मौजूदा प्रदर्शन से काफी खुश हैं, क्योंकि उसने उनकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। दरअसल चंद्रयान मिशन 2 को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने ईंधन और रॉकेट की दूरी तय करने का जो गणित तैयार किया था उसने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। वो लगातार अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए ईंधन की बचत भी कर रहा है, जो इसरो के लिए बड़ी कामयाबी है। अगले 10 दिनों में चंद्रयान 2 की कक्षा 3 बार बदली जाएगी। इससे यान करीब 1,43,953 किलोमीटर दूर स्थित कक्षा तक पहुंच जाएगा। हर बार कक्षा बदलने के साथ ही चंद्रयान की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। फिर यह अधिकतम ऊर्जा के साथ पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की कक्षा की ओर बढ़ेगा। चंद्रयान 14 अगस्त से 20 अगस्त तक चांद की तरफ जाने वाली लंबी कक्षा में यात्रा करेगा। 20 अगस्त को ये चांद की कक्षा में पहुंचेगा। 11 दिनों तक इसके चांद के चारों ओर घूमने की उम्मीद है। 1 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। फिर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाना शुरू करेगा। 5 दिनों बाद 6 सितंबर को विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लैंडिंग होते ही 4 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर विभिन्न प्रयोग करने लगेगा।